लोहरदगा जिला के बगड़ू पंचायत अंतर्गत पतरातू में अबुआ आवास के लाभुकों के चयन में हुई गड़बड़ी को लेकर सैकड़ों की संख्या में ग्रामीण पहुंचे समाहरणालय। अबुआ आवास की पहली लिस्ट में गड़बड़ी की जांच को लेकर लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर बाघमारे प्रसाद कृष्ण से मिलकर उन्होंने ज्ञापन सौंपा। जिले में अबुआ आवास को लेकर लाभुकों की पहली लिस्ट जारी की गई है। पतरातू गांव में ग्रामीणों में काफी नाराजगी है। ग्रामीणों ने मुखिया, VLW और वार्ड सदस्य पर अबुआ आवास पास कराने के लिए 20,000 रुपये घूस मांगने का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। ग्रामीणों ने कहा कि गांव में ग्राम सभा के माध्यम से अबुआ आवास का जो लिस्ट जारी हुआ है उसमें अनदेखी की गई है। जिसकी लिस्ट दी गई थी उस लिस्ट में उसका नाम ही नहीं, यहाँ तक कि जिसका जियोटेक और सत्यापन हो गया है उसे पैसा नहीं दिया गया और लिस्ट से उसका नाम भी गायब है। वहीं अबुआ आवास के चयन में मापदंडों की अनदेखी की गई है, जिस पर जांच पर कार्रवाई होनी चाहिए। अगर जांच नहीं की गई तो पूरे ग्रामीण सड़क पर उतर कर प्रदर्शन करेंगे। हम लोग अबुआ आवास में जो हम लोग का चयन हो चुका था नाम, उसमें से हटा करके दूसरा नियुक्त मैंने घर दूसरा कोई का लिस्ट में नाम दिलाया जा रहा है और हम लोग को जिसका जरूरी है उसको नहीं दिया जा रहा है, जिसको नहीं जरूरी है उसको दिया जा रहा है, इसलिए हम लोग DC आवास आए हैं। सर हम बगड़ू पंचायत के पतरातू गांव से हैं, बड़का टोली गांव। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? सर हम लोग 17-18 आदमी हैं, हम लोग के साथ ऐसा हो चुका है। क्या आप मुखिया और VLW से मिले थे? सर हम लोग उससे मिले हैं, लेकिन वो लोग बोलता है कि जिसका होना है वो होगा, तुम लोग जहाँ जाओ वहाँ कुछ बात कर रख सकते हो, ऐसा बोलता है हम लोग के साथ में। मेरा घर नहीं है, घर कहते हैं तो पैसा दो, ऐसा करो, और पहले लिस्ट में मेरा नाम था वो कट गया है, और फिर पैसा कौड़ी नहीं देते हैं तो पास नहीं करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हुआ है? बहुत लोग के साथ ऐसा हुआ है हम लोग के पास, 17-18। न्यूज़ विंग के लिए लोअर दगा से प्रीतम कुमार की रिपोर्ट।